ओके वेलकम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मंडे है, वीक का नया डे है, फर्स्ट डे ऑफ वीक, नया सेशन स्टार्ट होता है। तो जो लोग लिंक पा चुके हैं, यानी कि लिंक जिनको रिसीव हो चुका है, वो क्लिक करके अपना जल्द से क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास टाइमिंग से शुरू होती है। और आप सबको पता है कि ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन का भी यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें टाइम का बहुत विशेष ख्याल रखा जाता है। और आप भी जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आ गया तो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऊपर वाले ने समय ही एक ऐसी कमोडिटी है जो अमीर गरीब काला गोरा हिंदुस्तानी अमेरिकन सबको बराबर से दिया है। 24 घंटे उसको भी मिलते हैं, 24 घंटे हमें और आपको ही मिलते हैं। हम और आप कैसे उन 24 घंटों का उपयोग कर पाते हैं, ये हमारा आने वाली सफलता उसी पर निर्भर करती है। तो टाइम इज़ मनी या टाइम इज़ प्रीशियस, एंड वंस यू लॉस्ट इट लॉस्ट फॉर एवर। और विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि वंस आई वेस्टेड टाइम, नाउ टाइम वेस्टेज मी। मतलब एक बार मैंने वक्त बर्बाद किया था और वक्त मुझे बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने अपने वक्त की कीमत को नहीं पहचाना, वक्त को मैनेज नहीं किया, टाइम को वैल्यू नहीं किया, तो हु विल वैल्यू, कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आप सीखिए, टाइम के हिसाब से चलिए और टाइम पे आइए और टाइम पे क्लास करिए और टाइम से ही अपना सब कुछ हासिल करिए। सही है, तो आज का सेशन यहीं पर स्टार्ट करते हैं। कल कल का मतलब जो नेक्स्ट लास्ट आपका सेशन था, उसमें मैंने आर्टिकल्स और आर्टिकल्स के बाद उस पर प्रैक्टिस कराई थी। फिर मैंने नाउन डिस्कस किया था आपसे, नाउन पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे सारे, यानी कि आप भी जान रहे हैं कि मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये दो सेशन चलते हैं बराबर से। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सही है, आप सब जानते हैं कि कॉमन एरर जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दूसरा टेंस, तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, कि स्पीच का मतलब स्टेटमेंट होता है, पार्ट्स का मतलब जो सेंटेंस हुआ उसको कितने पार्ट्स में, यानी कि किन किन पार्ट्स से वो मिलकर के बना होता है। आप भी जानते हैं कोई भी सेंटेंस होगा जनरली उसमें नाउन प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, फिर वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी आती है, मेन वर्ब भी आती है। ठीक है, जब वर्ब आ गया तो एडजेक्टिव एडवर्ब भी आ सकता है, नाउन आ गया तो एडजेक्टिव भी आ सकता है, दो नाउन आ गए तो उनके लिए आप प्रपोजिशन भी ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे सेंटेंस आपका लेंथी होता जाएगा उसमें एक पार्ट तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ करके जो प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्लियर है, तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था नाउन, और अगर सीक्वेंस में देखें तो नाउन के बाद नंबर किसका आता है, सबको पता है, नाउन की जगह जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आप ये जान लें कि इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश का मतलब इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन जो है वो क्यों आवश्यकता पड़ती है। एक सवाल ये भी होता है कि जब नाउन है तो प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, हाँ, अब हमने आपसे कहा कि मान सचिन तेंदुलकर पर आपको एक एसे लिखना है या एक स्पीच देनी है मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है आपको सचिन के बारे में बोलना है, तो आप क्या कहेंगे, सचिन इज़ अ गुड प्लेयर, सचिन इज़ कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन हैज़ मैनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो आपको लगेगा कि यार बार बार ये सचिन क्यों बोल रहे हैं, वाई ही इज़ यूजिंग सचिन सो मैनी टाइम्स। बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, या इंग्लिश में क्या हिंदी में भी ऐसी चीज़ है कि जो प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन का यूज़ आप एक बार हद से हद दो बार कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी प्रॉपर नाउन के बारे में आगे आपको बहुत बार बोलना है तो उसके लिए एक सर्वनाम, या हिंदी इंग्लिश में कहें तो प्रोनाउन का यूज किया जाता है। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर नाउन, या नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए भी आप क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। अब
सचिन इज अ गुड प्लेयर ही। अब जैसे ही आपने ही यूज किया, ये क्या बन गया, सचिन का प्रोनाउन बन जाता है। और सचिन का जैसे ही ये प्रोनाउन बनता है तो कहीं ना कहीं मतलब अब ये ही के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 1, 10, 20, 50, 100 जितनी बार भी चाहें आप ही का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप बार बार सचिन बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको इसमें दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है भाई। तो इसीलिए हमने कहा क्या, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउंस, यानी कि प्रोनाउन का यूज हम लोग नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए करते हैं। और सेंटेंस में बार बार अगर आप सचिन सचिन बोलते हैं स्पीच में अपनी, तो इट लुक्स ऑकवर्ड, वो ऑकवर्ड भी फील होता है और सुनने में अच्छा भी नहीं लगता, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, जैसा हमारे टॉपिक का नाम है आज का प्रोनाउन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी जितनी बार भी इंग्लिश के टीचर आते हैं ग्रामर पढ़ाते हैं, वो नाउन प्रोनाउन शुरू हो जाते हैं, फिर काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाने लगते हैं। बात सही है, क्योंकि जब तक ये दुनिया है, जब तक आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ें बदलेंगी नहीं। आपको ही पता है कुछ चीज़ें होती हैं व्याकरण की ग्रामर की, वो एज इट इज रहती हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर ये तय करना होगा, जब आप क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे थे, फिफ्थ में थे, हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस है, पता है क्या, हर बार आपने नाउन पढ़ा है लेकिन हर बार वहाँ पर जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो अलग होती है। नाउन वही रहता है लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहली चीज़ तो जब हम एकेडमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें हमको डिस्क्राइब यानी कि लिख करके बतानी पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। लेकिन जैसे ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आते हैं तो आपको पता है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्टाइल ऑफ एग्जाम का पैटर्न होता है, तो आपको अपनी पढ़ाई का तरीका भी कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, सही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात यूँ करेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, और कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ेंगे कि जिस तरीके में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, तो इसमें पहला पर्सनल प्रोनाउन आएगा, तो आप पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हों या जहां पर भी कॉमन एरर का क्वेश्चन आता हो, मैं वहीं पर सीधा फोकस करके आपको पढ़ाऊंगा। डिटेल में भी बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ने के बाद आपको तुरंत ये लग जाएगा कि जब हम सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो रूल हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक कर रहा होगा, ठीक है भाई। क्योंकि हम लोग हमेशा मानते हैं कि जब आप सेंटेंस पढ़ें और पढ़ते ही पढ़ते आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि इसमें प्रॉब्लम या गलती कहाँ पर है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो रीडिंग हैबिट है, रीडिंग स्किल है, बहुत अच्छी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्ट प्रोनाउन दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है भाई। अब आप देख रहे होंगे ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये किससे बना है, पर्सन से। और अगर आपसे पूछें कि बताइए पर्सन कितने होते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर, बताइए जल्दी से फटाफट रिप्लाई करिए, हाउ मेनी पर्सन आर देयर। इंग्लिश ग्रामर, व्याकरण के लिहाज से, ग्रामर की दृष्टि से अगर हम पर्सन की बात करें तो कितने होते हैं बताइए, जी जल्दी से बताइए भाई फटाफट। अगर आप देखें सो फार एज इंग्लिश ग्रामर में, ग्रामर में क्या, इंग्लिश ग्रामर में क्या, संस्कृत में, हिंदी में भी तब में होते हैं, तीन ही होते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। ऐसे ही इंग्लिश में हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हाँ, इसमें दो चीजें कर लेते हैं हम लोग, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछते हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होगा, तो आपका रिप्लाई आएगा आई, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होगा, वी, सही है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू ही रहता है, अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी लिख लेने दीजिए मुझको। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में तीन आते हैं, एक ही आता है, एक शी आता है, एक इट आता है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल हो तो दे लिखते हैं, देखिए सही है।
यही चार्ट आपने पढ़ा होगा। पर्सनल प्रोनाउंस में पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट पर्सन का आई वी, सेकंड पर्सन का यू और यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे। अब नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर ये जो आई यू वी लिखा हुआ है ये किस केस में है बताइए, ये किस केस में है बताइए भाई जल्दी से। केस वाइज अगर देखें तो ये आपके सब्जेक्टिव केस में है। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक चार्ट और इम्प्रूव कर देता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन में देखिए एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और एक पजेसिव में दो होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है, ठीक। और इसी में एक और है उसको भी देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। ये हम केस बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए जब मैं मानता हूँ कि आपने जो भी पहले पढ़ा हो, लेकिन मैं जब आपसे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हर एक वो चीज़ बताऊँ जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, और आज पढ़ें तो हमेशा के लिए आपको दिक्कत ना हो, कभी भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ही लिखा हुआ है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे आप, हिम, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज, और रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, हिमसेल्फ लगता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वयं या खुद, जिसको सेल्फ लगा के बनाया जाता है, क्लियर है। अब ऐसे ही मान ली यहाँ पर शी लिखा हुआ है तो शी का क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में हर आएगा और पजेसिव प्रोनाउन में हर्स हो जाएगा। ऐसे ही शी इट, इट का ऑब्जेक्ट भी इट रहेगा, इसका एडजेक्टिव इट्स बनता है, प्रोनाउन नहीं आएगा, हाँ, और इसका सॉरी हर में सेल्फ जोड़ दिए हर सेल्फ, इट में सेल्फ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, इट सेल्फ, करेक्ट है। चलिए और देखिए, हाँ आई आ गया, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है और माइन पजेसिव प्रोनाउन है, क्लियर, और इसका रिफ्लेक्सिव बनता है माई सेल्फ, क्लियर। चलिए आई, उसके बाद आ जाए हम लोग किस पर, यू पे। यू सब्जेक्टिव केस भी है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी है, योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और योर्स जो लिखते हैं आप जिसमें एस लगा होता है ये आपका पजेसिव केस का प्रोनाउन है, यानी कि इसको पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, और रिफ्लेक्सिव में लिखेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा, सही है। ई शी इट आई यू। अब आया वी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, इसका एडजेक्टिव होगा आवर, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होगा आर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव बनेगा आवर सेल्स। ही शी इट आई यू वी दे, सेवेंथ है, दे सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, देयर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और देयर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, और देम सेल्स जो लिखा है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जिन लोगों के पास ये चार्ट ना हो, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूजफुल चार्ट फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न राइट फ्रॉम द बेसिक्स। अगर आप शुरुआत से सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये चार्ट जरूर अपने दिमाग में रखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ, फट से लीजिए फटाफट। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको रिमूव कर देते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला हम लोग ने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, तो ये हो गया बेसिक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे एग्जाम में तो लिखने के लिए एक शब्द भी नहीं आएगा, शब्द क्या आपको ए बी सी डी कुछ भी नहीं लिखना, वहाँ तो सिर्फ गोला बनाना है, अब तो गोला भी नहीं बनता, अब तो उस पर ऑनलाइन होने लगा है, ठीक है। खैर आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव स्टाइल है, बिल्कुल सही है। अब हम पढ़ते हैं उस तरीके से जिस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो, मतलब हम अपने क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ, इसका मतलब हम आपको उस तरीके में पढ़ाएंगे कि आप अपने क्वेश्चन पर तुरंत और जल्दी कैसे पहुँचें, मतलब क्वेश्चन के आंसर पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखिएगा, आई
यू एंड ही आर गोइंग टू सहारागंज। देखिए एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा कि आई मतलब मैं, तुम और वह सहारागंज जा रहे हैं। अब आप किसी से भी पूछिएगा हिंदी में तो वह ऐसे ही बताएगा कि मैं, तुम और वह सहारागंज जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम है। और मैंने जो अभी आपको पर्सनल प्रोनाउंस बताए थे, देखिए तीनों इसमें आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का आई है, सेकंड पर्सन का यू है और थर्ड पर्सन का ही है। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो पर्सनल प्रोनाउंस से ही रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप जोड़ करके पढ़िए, है ना, कि सेंटेंस में ये तो नहीं लिखा होगा कि मैं, पर्सनल प्रोनाउन की प्रॉब्लम है, आओ मुझे ढूंढो आकर के, ऐसा तो नहीं होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रॉब्लम है ना। चलिए चल बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, जल्दी आंसर करिए। देखिए इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट आई, यू कौन सा पर्सन है भैया, सेकंड पर्सन है, और ही कौन सा पर्सन है आपका, थर्ड। तो आप कहेंगे कि इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक सीक्वेंस में रखे हैं, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर है क्या। अब ग्रामर, मतलब ग्रामर का रूल ये है कि अगर कोई भी एक कॉमन स्टेटमेंट, कॉमन या जनरल बात कही गई हो, एक जनरल स्टेटमेंट डिलीवर किया गया हो, स्टेटमेंट है ना, मतलब एक कॉमन, एक जैसे इसमें क्या कह रहे हैं कि आज हम सहारागंज जा रहे हैं, तो ये एक स्टेटमेंट ही तो है जो आपने कहा है। तो कॉमन या जनरल स्टेटमेंट होगा तो वहां पर जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ थ्री पर्सनल प्रोनाउंस, इसका जो होगा वो होगा 3, 2, 1, नहीं समझे, यानी सबसे पहले थर्ड पर्सन आएगा, 231, क्या लिखवा दिया भाई, जरा सा मिस्टेक हो गया, इसका होगा 231, सॉरी 231, यानी सबसे पहले कौन पर्सन आएगा, सेकंड, फिर थर्ड और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है। तो एक बार देख लीजिए, मैंने कहा कि इफ इन अ सेंटेंस All the three pronouns are used, और sentence कैसा हो, common हो, तो जो sequence होगा three personal pronouns का, उसमें 2-3-1 का concept चलता है, second person पहले आएगा, उसके बाद third आएगा, फिर first आएगा। मान लीजिए एक सवाल ये भी है, अगर first person नहीं है तो आप second third रख के काम चला लीजिए, और अगर third person नहीं है तो second और first से काम चला लीजिए, और अगर second person नहीं है तो थर्ड और फर्स्ट से काम चला लिए, लेकिन सीक्वेंस 231 पे रखिएगा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। फर्स्ट एब्सेंट है तो सेकंड थर्ड आ जाएगा, थर्ड एब्सेंट है तो सेकंड और वन आ जाएगा, और अगर सेकंड एब्सेंट है तो थर्ड और वन आ जाएगा, लेकिन सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। तो अब इसका करेक्शन करते हैं, तो सेकंड पर्सन क्या है, यू, थर्ड पर्सन क्या है, ही, और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। तो ये जो सीक्वेंस था, अब ये यहां से चलिए, ये सही हो गया, ये सीक्वेंस आपका गलत था, करेक्ट जी। तो रूल क्या है, आपने याद किया कि अगर एक सेंटेंस में तीनों पर्सनल प्रोनाउंस लिखे हों और वो सेंटेंस कैसा हो, कॉमन स्टेटमेंट हो, एक आम बात कही गई हो, तो उसका सीक्वेंस होता है 231, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट में फर्स्ट आएगा, ठीक। अब एक सेंटेंस और देखिए, यू, ही and I have broken this glass window. Now suppose, मान लीजिए, this is the sentence for you, ये sentence आपके लिए है, और
ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। अभी जो हम लोग ने रूल डिस्कस किया मैंने उसी पर बेस पे लिखा, यानी कि पहले सेकेंड लिख दिया फिर सेकेंड, सॉरी हाँ पहले सेकेंड लिख दिया फिर थर्ड लिख दिया फिर फर्स्ट लिख दिया। तो क्या ये सही है या इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है, बताइए फट से आंसर करिएगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, आप करेक्ट या इनकरेक्ट टाइप करके भेजिए। करेक्ट या इनकरेक्ट में से क्या है, आप सिर्फ करेक्ट लिखिए या इनकरेक्ट जो भी हो लिख करके भेजिए। जल्दी से भेजिए भाई। देखिए लाइव सेशन में डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है, मैं हमेशा मानता हूँ कि दिस इज़ अ टू वे ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक टू वे होता है ना, वन वे नहीं होता है। वन वे होता तो एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल लिए 60-70 की स्पीड में चला जा रहा है, उससे पता है कि सामने से कोई नहीं आने वाला है। लेकिन जब टू वे ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर आदमी थोड़ा संभल के चलता है, सामने से भी आ सकता है, तो सामने से मतलब सामना हो सकता है। तो इसका मतलब जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो आप भी रिप्लाई करें, अगर हम आपसे बात करें तो आप भी रिप्लाई करें। रिप्लाई का यहाँ पर माध्यम क्या है, मैसेजेस है। आप अपने मैसेज बॉक्स में जा कर के मतलब टाइप करिए और मैसेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को पुट अप करिए, पूछिए, और अगर आपसे कोई सवाल किया जाए तो उसका जवाब भी लिखिए, दोनों आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैंने इससे पूछा था क्या यह सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट, अभी जो रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड थर्ड और फर्स्ट ये सीक्वेंस में रखा है। लेकिन प्रॉब्लम है जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेंटेंस में लिखा हुआ है ब्रोकन दिस ग्लास विंडो, मतलब ये कह रहे हैं कि तुमने, उसने और मैंने मिल करके कांच की ये खिड़की तोड़ी है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, जिसमें कोई मिस्टेक है, कोई मिसचीफ है, मिसचीफ मतलब शरारत है, मिस्टेक है, गलती है, या एक बात और हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कन्फेशन, इंग्लिश में कन्फेशन को कहते हैं, मतलब हिंदी में कोई भी गलत काम किया है जब हम उसको कबूल कर लेते हैं उसको कहा जाता है कन्फेशन। आप देखिए जो चर्च होते हैं क्रिश्चियन में, वहाँ पर एक पादरी होता है, फादर होता है, और जैसे वहाँ पर एक कन्फेशन बॉक्स बनाया होता है जाली वाला, उसमें जिसने गुनाह किया है वो वहाँ पादरी के सामने बैठ करके वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, कन्फेशन बॉक्स बनाया जाता है इसीलिए। तो कन्फेशन का मतलब होता है कोई गलती की और उसको आपने स्वीकार कर लिया। अब अगर ये कंडीशन है तो फिर जो सीक्वेंस अभी बताई थी मैंने आपको 231 वाली वो नहीं चलेगी, फिर चलेगा क्या 1 2 3, यानी कि अगर कोई गलती की गई हो तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आकर के, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन आकर के उसको स्वीकार करते हैं। तो अब इसका करेक्शन करेंगे आई यू एंड ही, फिर ये सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी यू ही एंड आई गलत है, आई यू एंड ही सही है इस सेंटेंस में, अगर मिस्टेक मिसचीफ या कन्फेशन की बात की गई हो। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा दोनों रूल मैंने आपको बता दिए, कॉमन सेंटेंस हो जनरल स्टेटमेंट हो तो प्रोनाउन को मतलब पर्सनल प्रोनाउन को 231 के क्रम में रखिएगा 2 3 1 के, और अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें कोई गलती कोई कमी या जो आपने गलती की है उसको स्वीकार करने की बात की गई हो तो फिर 1, 2, 3 इस सीक्वेंस में वो चलेगा। ठीक है भाई, चलिए अब एक और रूल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। लेट, ये एल है, थोड़ा सा सही बना देते हैं, लेट है, डिसाइड है, एक्सेप्ट है, प्रीपोजिशन लिखा हो, लेट है, एक्सेप्ट है, बिसाइड है, प्रीपोजिशन है, जानते हैं आप इन सब के बारे में, क्या रूल हो सकता है इसके बारे में, अगर ये चारों शब्द एक साथ लिखे हैं तो इनसे और प्रोनाउन का क्या कॉम्बिनेशन है या इनका कैसे रूल। देखिए मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा तरीका ये होता है कि टू द पॉइंट पढ़िए, टारगेट ओरिएंटेड फोकस करके पढ़िए, ताकि आपके सामने अगर सवाल या क्वेश्चन आता है तो पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, और इस लेवल पर अगर आपने आपको ले जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी और कम समय में आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पढ़िए और बताइए, अगर ये वर्ड्स लिखे हैं और अगर प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है तो बताइए इनके और प्रोनाउन के बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन है या रूल है जो काम करेगा, कोई बताएगा, बताइए। लेट लिखाओ, बिसाइड लिखाओ, एक्सेप्ट लिखाओ या प्रपोजिशन लिखाओ,
बताइए भाई, लेट है, बिसाइड है, एक्सेप्ट है या प्रीपोजिशन लिखी हो तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? और इसमें एक और लिख लीजिए, बिटवीन भी बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए मैं एक सेंटेंस लेकर के आपसे पूछता हूँ। देखिए पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक कुछ लोग पढ़ाते हैं पहले रूल बता देते हैं, पूरा रूल पढ़ लीजिए समझ लीजिए फिर उस पर कहते हैं कि प्रैक्टिस करिए। एक तरीका ये होता है कि आप एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल्स में आप ये बताइए कि इस एग्जाम्पल में क्या गलती है, फिर वो गलती किस रूल पर बेस्ड है। तो दोनों तरीके मैं अप्लाई करता हूँ, जो आपको अच्छा लगे बताइएगा। चलिए जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई। देखा है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद होता है, मतभेद है ना। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन समझ लीजिए, देयर इज नो कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आप एक चीज पा रहे होंगे, यहां तक सब सही है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड, यहां तक बिल्कुल सही है, बस गलती ये आई में है। पता है क्यों? क्योंकि बिटवीन के साथ जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यही रूल है। और ये रूल अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे। यू तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन आई का, आई किस केस में, आप सबको पता है आई सब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? मी, आई गलत है। तो और देखिए, आपने कभी लेट के बाद आई पढ़ा है कि लेट के बाद मी पढ़ा है बताइए? लेट के बाद ही पढ़ा है कि लेट के बाद हिम? लेट के बाद आप शी लिखते हो या लेट के बाद हर लिखते हो? और बताओ भाई, लेट के बाद वी आता है या लेट के बाद अस? लेट के बाद दे आता है या लेट के बाद देम? क्यों भाई? आपने हमेशा लेट मी पढ़ा होगा, लेट हिम पढ़ा होगा, लेट हर पढ़ा होगा, लेट अस पढ़ा होगा, लेट देम पढ़ा होगा, वी दे शी ही और आई ये नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? लेट जो है, पता है आपको, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मालूम होना चाहिए आपको। लेट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने के नाते इसके तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आएगा, इसीलिए लेट हिम, लेट हर, लेट मी, लेट अस लिखा जाता है। क्लियर? ऐसे ही बिसाइड आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, या सेंटेंस में कहीं पर भी। हाँ, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, कौन सा? प्रीपोजिशन। इसको हम आपको अभी अलग से ही बता रहे हैं, फिलहाल इतना रूल समझ लीजिए क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में कहीं पर भी प्रीपोजिशन का यूज हो, जनरली प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आती है, तो वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन लिखा है तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम आपको इसका एग्जाम्पल करा देते हैं प्रीपोजिशन वाला भी, और इस रूल को क्लैरिफाई कर देते हैं आपको। रूल क्या है? लेट हो, बिटवीन हो, बिसाइड हो, एक्सेप्ट हो, प्रीपोजिशन हो, इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड। देखिए ये रूल हो गया आपका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। या लेट, बिटवीन, बिसाइड, एक्सेप्ट या प्रीपोजिशन के बाद, या प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, मतलब ही नहीं लिखेंगे, हिम लिखेंगे, शी नहीं लिखेंगे, हर लिखेंगे। क्लियर है? हाँ, प्रीपोजिशन का केस देख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दे वर लॉफिंग, दे वर लॉफिंग एट अस या एट वी। अब यहां दे वर लॉफिंग, यहां तक सब सही है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या मिला आपको? प्रीपोजिशन एट। और जैसे प्रीपोजिशन मिला आप ये देखिए, ये अस कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव। और वी कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। और अभी आपने पढ़ा क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्टिव। तो अस सही है, वी गलत है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेंटेंस में जब कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए तो आफ्टर प्रीपोजिशन वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन अगर यूज करेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव केस यूज करिएगा, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन।
ठीक है भाई। तो प्रोनाउन का हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला पर्सनल प्रोनाउन, और उसमें भी सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक सेंटेंस लिख करके और पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए गलती कहाँ है इसमें। कि इफ यू वॉन्ट टू गेट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, देखिए सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है कि इफ यू वॉन्ट टू गेट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर। बताइए गलत है, ग्रामेटिकल एरर है इस सेंटेंस में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कहाँ पर गलती है। पढ़िए, लिखा है इफ यू वॉन्ट टू गेट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर। रिप्लाई करिएगा, कमेंट करिएगा बॉक्स में कि आपको कहाँ पर इसमें गलती लग रही है। देखिए यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, इफ यू वॉन्ट टू गेट दिस जॉब, ये सही है, यदि तुम पाना चाहते हो, चाहते हो पाना, ऐसे कर लो, यदि तुम चाहते हो पाना ये नौकरी, ठीक, यू विल नीड हिज फेवर, तुम्हें जरूरत पड़ेगी उसकी कृपा की। फेवर मतलब कृपा या रहम होती है, जिसको आप कहते हैं। अब यहां पर ये जो फेवर है ये नाउन है आपका, और नाउन से पहले ये जो हिज है, ये अगर ये नाउन है तो जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव ही होगा। कौन सा एडजेक्टिव है ये, अभी मैंने आपको बताया था ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। अब क्या कहा जाता है कि अगर फेवर शब्द आ जाए, फेवर, और फेवर शब्द अगर नाउन के फॉर्म में है, तो इससे पहले अगर पजेसिव केस यूज हुआ है तो वो नहीं होता है, पजेसिव केस इज नॉट यूज्ड। तो गलती इसी में है, ये हिज यहां नहीं होगा। अब करेक्शन कैसे होगा, मान लिया ये तो आपने एरर डिटेक्शन कर लिया, यानी कि पहचान लिया कि गलती कहां पर है, लेकिन गलती पहचानने के बाद आपको उसका सुधार भी तो आना चाहिए कि कैसे आप उसको सही करेंगे। अब इसका रूल ये है कि जब नाउन के फॉर्म में फेवर लिखा हो, तब इसके बाद यहां पर आप लगाइए प्रपोजिशन, और आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो फेवर ऑफ आता है, और यहाँ हिज लिखा हुआ था, यानी इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, और ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे सही होगा, इफ यू वॉन्ट टू गेट दिस जॉब यू विल नीड फेवर ऑफ। फेवर के बाद मैंने क्या कहा, प्रपोजिशन लगाइए, और प्रपोजिशन जैसे ही लगेगा तो केस कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है भाई। तो फेवर नाउन का इस्तेमाल अगर है तो पजेसिव केस इज नॉट यूज, उसके साथ पजेसिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, है ना। अभी देखिए मैं ये जितने भी एक्सरसाइज है अभी अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आपको, जब प्रोनाउन पर जब चैप्टर खत्म कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे, फिर मैं आपको पूरा एक्सरसाइज का एक सेशन रखता हूँ, जैसे आप सबको पता है 2 दिन पूरा एक्सरसाइज करेंगे, और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। चलिए तो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे वो अभी उस एक्सरसाइज में आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन मैं इसी पर बेस करके पूछूंगा आपसे, और वो जब आप सेशन करेंगे, होता क्या है अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आप फट से आंसर दे लेंगे। आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 3-4 दिन पढ़ेंगे, फिर हम तो थर्सडे फ्राइडे में सेशन करेंगे किसका, प्रैक्टिस सेशन का, तो आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाएगा, और कितना आप रिकॉल कर पाते हैं वो दोनों चीज़ें उस दिन चेक हो जाएंगी आपकी, ठीक है भाई। चलिए तो सेकेंड पार्ट पर आ गए हम लोग, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये अगर आप देखें तो शॉर्ट में हम लोग इसको डेमो कहते हैं, है ना। डेमॉन्स्ट्रेटिव जो शब्द है इंग्लिश का, उसका जो एक शॉर्टर वर्जन है, छोटा है, उसको हम लोग डेमो कहते हैं। जैसे बहुत से लोग, आप लोग भी क्लास का डेमो लेने जाते हैं, बहुत सारी कोचिंग में टीचर्स का डेमो लेने जाते हैं, तो डेमो का मतलब प्रदर्शन होता है एक तरीके से। आप देखिए कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं तो उसको भी डेमोन्स्ट्रेशन ही कहा जाता है। तो बताइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आ जाएंगे,
और ये कोई नया नहीं है, मैं आपको बता, आपने जब से इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी, चाहे क्लास फर्स्ट से पढ़ी हो, क्लास फिफ्थ से पढ़ी हो, या हाई स्कूल इंटर में आके पढ़ी हो, ये प्रोनाउन आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और इसका इस्तेमाल आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश लिखते या बोलते हैं, तो हर दूसरे सेंटेंस में इस प्रोनाउन का हम लोग यूज़ करते हैं। बताइए। चलिए जल्दी से देखते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर फोर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस आता है सिंगुलर एंड नियर के लिए, दैट भी आता है सिंगुलर के लिए, लेकिन जब चीज़ें कैसी हों, दूर हों, जैसे मैंने आपसे कहा ये मेरा पेन है, तो दिस इज़ माई पेन, क्योंकि ये पास में और सिंगुलर है, और इसी पेन को हम आखिरी सीट पर रख दें, क्या हो जाएगा, दैट इज़ माई पेन। ऐसे ही दीज जो होता है ये प्लूरल एंड नियर के लिए आता है, और दोज जो है वो प्लूरल एंड फार के लिए आता है। मतलब जैसे मान लिया दो पेन है तो क्या हो जाएगा, दीज आर माई पेन्स, क्योंकि ये प्लूरल में है और नियर है, लेकिन ये दोनों पेन उठा करके हम आखिरी बेंच पर रख दें तो क्या हो जाएगा, दोज आर माई पेन्स, है ना। तो याद रखिएगा, दिस दैट दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये हम किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आप खुद ही बताइए, क्या आपने दिस दैट नहीं बोला होगा जब आप अंग्रेजी बोलते हैं? बिल्कुल, जब आप अंग्रेजी लिखते या बोलते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस दैट दिस दोज, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 मिनट लगेगा। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ मूवीज, आपने कहा कि आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ मूवीज। अब देखिए, जब कभी भी सेंटेंस में दीज आ जाए और उसके बाद ये काइंड ऑफ लिखा हो, तो यहीं पर गलती मानी जाती है। बताइए क्या, जब कभी भी काइंड ऑफ लिखा हो या टाइप ऑफ लिखा हो या वैरायटी ऑफ लिखा हो या सॉल्ट ऑफ लिखा हो, ठीक है, और इससे पहले अगर दिस या दैट है तब तो ये ठीक है, दिस काइंड ऑफ। लेकिन अगर सेंटेंस में दीज या दोज लिखा है तो काइंड किसने बदल जाएगा, काइंड्स में। ऐसे ही टाइप किसने बदल जाएगा, टाइप्स ऑफ में। वैरायटी चेंज हो जाएगा किसमें, वैरायटीज ऑफ में, और सॉल्ट ये क्या लिखेंगे आप, सॉल्ट ऑफ, करेक्ट है भाई। तो याद रखिएगा, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ मूवी में गलती यहीं पर है, यहां पर क्या करेंगे आप, काइंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक जो आपके यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक आती है वो इसी में है, कि अगर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ से पहले दिस या दैट लिखा है तब तो सही है, लेकिन अगर दिस दोस्त लिखा है तो काइंड में एस लगाना पड़ेगा, टाइप्स में, सॉर्ट्स में और वैरायटीज में, करेक्ट है। चलिए, तो आज देखिए सेशन यहीं पर वाइंड अप करना, बिकॉज आपका जो नेक्स्ट क्लास है मैथ्स की वो भी टाइमली होनी है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड, पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिस्कस किया, और इसमें कहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हमने आपको बताया। तो इससे रिलेटेड जो आपके पास बुक हो प्रैक्टिस करिएगा, है ना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करिएगा, ताकि फीडबैक मिल जाए तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लैरिफाई कर दें। और क्लास अगर यूज़फुल लगती है तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।